चलिए आज के इस वीडियो में देख लेते हैं पी ब्लॉक जो क्लास 11, 12 की एनसीईआरटी का है, उसमें जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स अपने कंपटीशन एग्जाम में बार बार आते हैं और अक्सर एग्जाम में स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खास करके उनके एंगल्स, उनके बॉन्ड्स, उनकी थोड़ी मोड़ी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी। तो आइए देख लेते हैं क्लास 11th और 12th सारे पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। स्टार्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट है अपने पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं डाइबोरेन B2H6। तो हमें पता होना चाहिए B2H6 कुछ ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनके टर्मिनल BH बॉन्ड्स जो हैं वो तो इसी बोर्ड की प्लेन में होते हैं, लेकिन जो ये H हैं वो आपकी मोबाइल स्क्रीन के बाहर और एक H अंदर, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, रहता है किस ज्योमेट्री में, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में। अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन कोई पूछे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, क्योंकि इनके वेकेंट ऑर्बिटल भी यूज हो जाते हैं। टर्मिनल वाले हाइड्रोजन को बोलते हैं, ये चार टर्मिनल हाइड्रोजन हैं, दो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है अपने पास। अगर टर्मिनल हाइड्रोजन से बॉन्ड एंगल देखो तो ये एंगल कितना होता है 120, और जो अंदर बोरॉन, इस बोरॉन के पास ब्रिजिंग हाइड्रोजन से होते हुए जो एंगल होते हैं वो लगभग 100 डिग्री के आसपास और इंपॉर्टेंट होते हैं। नॉर्मली बॉन्ड कैसे होते हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लग जाते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन इसके पास बनाना बॉन्ड भी होते हैं जिसको बोलते हैं थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, वो कितने होते हैं दो, और ब्रिजिंग वाले, यही ब्रिजिंग वाले बॉन्ड को ही बोल रहे हैं बनाना बॉन्ड। दूसरा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने पास H3BO3 का बोरिक एसिड, कैरम पाउडर भी बोलते हैं, बहुत व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं अपने पास, पानी में ठंडे ठंडे में डालो बिल्कुल डिजोल्व नहीं होते, लेकिन गर्मा गर्म पानी में डालो तो आराम से डिजोल्व हो जाते हैं। किस तरीके से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, आखिर क्यों कैरम खेलते समय ऐसे पाउडर का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा सा प्लेन प्रोवाइड करते हैं, लीनियर स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से ये जो BO3 होता है ये ट्रायंगुलर प्लेनर जैसा 3σ0 लोन पेयर, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एक पॉलीमराइज करके स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहते हैं इसमें, ठीक है। ध्यान रखेंगे कोई पूछेगा H3BO3 कैसे एग्जिस्ट करता है, बोलेंगे लेयर स्ट्रक्चर में, किस तरीके से BO3 यूनिट्स दूसरी BO3 यूनिट्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर अपने पास 3 Al2Cl6, पता होगा जो बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं अक्सर उनके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, तीन बॉन्ड बनाते तो पेट नहीं भरता, इसलिए वो डाइमर बना के एग्जिस्ट करते हैं, जैसे AlCl3 भी अपने डाइमर में एग्जिस्ट करता है, इसी को लोग बोल सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3। Al2Cl6 जैसा, ये भी बिल्कुल डाइबोरेन जैसा टेट्राहेड्रल होता है, प्लेनर नहीं होता, ये Cl और ये Cl प्लेन से ऊपर और नीचे लगे होते हैं, लोन पेयर रिसेप्टर होते हैं, लुईस एसिड होते हैं, और जो टर्मिनल वाले बॉन्ड है बिल्कुल डाइबोरेन जैसा 120 के आसपास, अंदर वाले जो एंगल है वो डाइबोरेन का थोड़ा सा उल्टा, वहां 97 था यहां 79, और ये वाले जो एंगल होते हैं यहां पर वो 100 डिग्री के आसपास, लुईस एसिड होते हैं, लोन पेयर रिसेप्टर होते हैं, और देखो यहां पर 6σ बॉन्ड होते हैं, यहां पर वो नहीं बोलते ना 3σ2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को, यहां पर पूछे तो यहां पर होते हैं 0, एक भी 3σ2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होते, सारे बॉन्ड 2σ2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड नॉर्मल बॉन्ड में ही काउंट होते हैं, ये वाले बॉन्ड सारे के सारे हैं, सब के सब बॉन्ड ऐसे ही हैं, कैसे 2σ2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले, ये भी टोटल बॉन्ड देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल 8, तो 8 के 8 बॉन्ड ऐसे हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है अपने पास बोरेक्स का, पहले तो फॉर्मूला याद रख लिए, Na2B4O5OH4.8H2O, ये हैं बोरेक्स, जिसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं 4, हर एक बोरॉन के पास एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है, पूछ लेता है कितने BOB लिंकेज बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन का लिंकेज, 5 होता है इधर, याद करके रखिएगा, और इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बेसिक नेचर के होते हैं, और ये एक बफर सॉल्यूशन जैसा भी थोड़ा मोड़ा काम कर सकते हैं, एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है इसका एक्वस मीडियम, ठीक है। बोरेक्स बीड टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बोरेक्स को हीट कर दो तो ये अपने मेटाबोरेट में टूट जाते हैं और B2O3 दे जाते हैं, और वो B2O3 किसी मेटल के साथ प्यारा सा मेटा बोरेट का कलर दे देता है, बोरेक्स बीट टेस्ट बोरॉन फैमिली का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट होता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं, एक है अपने पास कार्बन डायमंड और कार्बन ग्रेफाइट, तो बस इतना ध्यान रखिए कार्बन डायमंड में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर सिंगल होता है, चार चार बॉन्ड बना करके एग्जिस्ट करते हैं, पॉलीमरिक होते हैं, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते बनाते सॉलिड हो जाते हैं, बहुत बड़े स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं को बोल देते हैं कोवलेंट मॉलिक्यूल, सिंगल बॉन्ड होता है सीसी का, और कार्बन ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ये, और इसमें जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड होते हैं एक कार्बन तीन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड का करेक्टर रहता है, इसलिए थोड़ी मोड़ी कंडक्टिविटी भी शो करते हैं, और बॉन्ड का ऑर्डर टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड 4, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्शन 3, एक से ज्यादा होता है थर्मोडायनेमिकली, इसलिए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इनके बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होते हैं। ध्यान रखिए कार्बन ग्रेफाइट के बाद नेक्स्ट कार्बन का एक बहुत मस्त एलोट्रोप होता है जिसको बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लुरीन, फुलरीन्स के नाम सुने होंगे आपने, C60, C70, C30, 350 तक हो सकते हैं ऐसे ही,
उससे भी ज्यादा कार्बन लगे हो सकते हैं, इन्हीं को बोलते हैं फुलरीन्स। फुलरीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड ऑर्डर होते हैं कार्बन ग्रेफाइट से कम होते हैं। कार्बन ग्रेफाइट का बॉन्ड ऑर्डर यह था उससे कम और कार्बन डायमंड वाले से ज्यादा। कैसे एग्जिस्ट करते हैं ये? फुटबॉल जैसे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी बॉल्स जैसा, फुटबॉल जैसा, बिल्कुल एक फुटबॉल उठा के देख लो वैसे ही स्ट्रक्चर में मिलते हैं। एक पेंटागन होता है मिडिल में और पेंटागन से डायरेक्ट पेंटागन नहीं अटैच होते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पेंटागन जो होते हैं उनके कॉर्नर के अलोंग दूर चले जाओगे तो एक पेंटागन और मिलता है ऐसे सब कॉर्नर के अलोंग, और साइड के अलोंग हेक्सागन हेक्सागन, एक हेक्सागन दूसरे हेक्सागन को टच करता है लेकिन एक पेंटागन दूसरे पेंटागन को टच नहीं करते। ये सब इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। कितने हेक्सागन होते हैं? तो हर साइड पे दो, तो पांच साइड पे कितने हो जाएंगे? 10। ये तो 50% पार्ट है जो तुम देखोगे, और फुटबॉल का तुम अगर एक तरफ से देखोगे तो क्या 100% देख पाओगे? नहीं, आधा देख पाओगे, आधा पीछे होगा जो तुम नहीं देख पाओगे। वैसे यहाँ पर हेक्सागन 10 तो तुम्हें हर एक साइड के अलोंग दिख जाएंगे और 10 पीछे होंगे, तो ऐसे टोटल हेक्सागन होते हैं 20। और पेंटागन देखो, एक पेंटागन तो तुम्हें दिख रहा है, कॉर्नर के अलोंग दूर जाकर के भी एक एक पेंटागन मिलेगा, तो कितने दिखेंगे तुम्हें एक सामने से? 6। एक तो ये और पांच और पीछे भी ऐसे होंगे 6, तो टोटल कितने पेंटागन हो जाते हैं? 12। तो फुल रेंज में यही इंपॉर्टेंट है, पेंटागन दूसरे पेंटागन को नहीं टच करते लेकिन हेक्सागन दूसरे हेक्सागन को टच करते हैं। टोटल पेंटागन्स एक यूनिट में, खास करके कार्बन 60 के पेंटागन्स होते हैं 12, हेक्सागन होते हैं 20, और इसमें बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा ग्रेफाइट से कम और डायमंड से ज्यादा। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर वही नेचर का हो गया। नेक्स्ट अगर हम चलें अगले स्ट्रक्चर्स में, नाइट्रोजन फैमिली में, तो नाइट्रोजन फैमिली के बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले तो नाइट्रोजन के जो हमारे पास ऑक्साइड्स हैं वो कौन कौन से? 7 होते हैं और सब बड़े प्यारे। लाफिंग गैस न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन? लाफिंग गैस और NO, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड भी न्यूट्रल होते हैं। N2O, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। NO, एंडोथर्मिक मॉलिक्यूल बोलते हैं इनको। NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O को क्या बोलते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। NO ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इधर 2.5 होता है। N2O2 ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है ना NO, इसमें 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पैरामैग्नेटिक होता है और कलरलेस होता है NO, उसका डाइमर होता है N2O2। इसमें NN बॉन्ड होते हैं और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन का लिंकेज लाफिंग गैस में भी था। NO2 ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 23 होते हैं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन ये बचा है। जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं, जैसे N2O4 लिक्विड में ये डायमैग्नेटिक हो जाते हैं, जैसे NO पैरामैग्नेटिक होता है। अगर कोई तुमसे बोले NO लिक्विड, NO लिक्विड का मतलब होता है डाइमर ऑफ NO, N2O2। अच्छा, जैसे NO आपस में कंबाइन होकर N2O2 बना सकते हैं, NO2 आपस में कंबाइन होकर N2O4 बना सकते हैं, ऐसे ही NO प्लस NO2, ये हो गया NO, ये हो गया NO2, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? N2O3। इसमें भी NN का बॉन्ड होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने पास। N2O5 एक होते हैं जो N2O4 बनाए, बीच में उसमें ऑक्सीजन डाल दो, बीच में ऑक्सीजन डाल दोगे तो ये ऐसे भी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर जाते हैं। ये इनके गैसीय फेज का स्ट्रक्चर होता है, इनका जो सॉलिड फेज होता है वो आयनिक सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। NO2 प्लस और NO3 माइनस, ओनली ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन विच एग्जिस्ट एज सॉलिड स्टेट इन रूम टेम्परेचर, या ऐसे बोले एट रूम टेम्परेचर सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला अकेला नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है N2O5। इसको बोल सकते हैं नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड, आप नाइट्रिक एसिड को डबल करके वाटर निकालेंगे यही बन जाएगा। जिसमें से ये दोनों न्यूट्रल नेचर के होते हैं, और ये न्यूट्रल है तो उसका डाइमर भी न्यूट्रल करके होते हैं। ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं और सारे एसिडिक नेचर के होते हैं अपने पास। अकेला जो कलर्ड हो जाते हैं और वो होते हैं N2O3। किस कलर के लिक्विड होते हैं? ये ब्लू कलर के लिक्विड होते हैं, ध्यान रखिएगा आप। चलिए आज के, अच्छा अभी खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, व्हाइट फॉस्फरस, सिंपल P4 जैसे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं। हर एक फॉस्फरस के पास एक एक लोन पेयर होता है। इनके पास अक्सर हमसे पूछे जाते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, लोग मैथमेटिक्स लगाने लगते हैं, लेकिन इसमें ट्राइंगल कितने होते हैं? केवल P4, 4 ही ट्राइंगल होते हैं अपने पास, ठीक है। एक ट्राइंगल, ये फॉस्फरस फॉस्फरस के यूनिट से ट्राइंगल बनाएंगे तो आपको दिख जाएंगे चार, एक ट्राइंगल बीच ये बोर्ड के नीचे, ये फॉस्फरस तुम्हारे ये जो मोबाइल स्क्रीन दिख रहा होगा उसके बाहर, तो एक ट्राइंगल इधर मिल जाएगा, एक ट्राइंगल इधर मिल जाएगा, और एक ट्राइंगल इधर, और एक ट्राइंगल बोर्ड में, चार ट्राइंगल होते हैं। इसमें जो पीपी का एंगल होता है वो कितना भाई? 60 डिग्री का, और अक्सर 60 डिग्री बहुत कम एंगल है। इसमें फॉस्फरस का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो sp3 वालों को रिक्वायर्ड एंगल इतना चाहिए होता, लेकिन ये इधर मिल नहीं पाता, इसी वजह से ये बहुत रिएक्टिव नेचर के होते हैं। व्हाइट फॉस्फरस इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ फॉस्फरस, बट इट इज नेचुरल, नेचुरल फॉस्फरस होते हैं ये। और यहाँ पर पीपी का एंगल कितना है? 60 डिग्री, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इवन इसको तुम हवा भी दे दो तो ये जलता है, और ऐसे जलता है कि बनाता है P4O10।
और साथ में लाइट के फॉर्म में बहुत एनर्जी लिबरेट करता है, इसीलिए लोग बोलते हैं जंगलों में भूत देखा, क्योंकि अगर कभी व्हाइट फॉस्फरस हवा में जलते हैं तो लाइट के फॉर्म में व्हाइट लाइट्स लिबरेट करते हैं, लोग डर जाते हैं, इसी को बोलते हैं घोस्ट लाइट। क्या बना लेते हैं हवा में? P4O10 बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्यों? क्योंकि एंगल बहुत कम है, किसी को ज़बरदस्ती सिकोड़ के रखा है तुमने, वो थोड़ा फैल के रहना चाहता है, टूट जाता है जल्दी से आराम से। पी बॉन्ड है सारे के सारे, ये ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है और इसीलिए CH2 में डिजॉल्व हो जाते हैं, पानी में आराम से डिजॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में आराम से डिजॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर हैं तो CH2 में डिजॉल्व होना नेचुरल है। रेड फॉस्फरस की बात करें, व्हाइट फॉस्फरस में से एक पीपी बॉन्ड तोड़ दो और इसी को लीनियर पॉलीमराइज करा दो दूर तक ऐसे, तो लीनियर पॉलीमर होते हैं इनके अंदर, क्योंकि उतना ज़्यादा एंगुलर स्ट्रेन नहीं होता इसलिए थोड़े से कम रिएक्टिव नेचर के होते हैं, और ये क्योंकि पॉलीमर हैं, पॉलीमर ना पानी में डिजॉल्व होते हैं ना ही CH2 में। अब कैसे डिजॉल्व होगा? जैसे तुम पॉलीथीन उठा लो तो पॉलीथीन क्या पानी में डिजॉल्व हो जाता है? नहीं, पॉलीमर अक्सर डिजॉल्व नहीं होते, और खास करके ऐसे रेड फॉस्फरस कम रिएक्टिव नेचर का होता है, लेकिन जो मैच स्टिक होती है ना उसका जो ऊपर रेड रेड दिखता है ये तुमने देखा भी है, यही होता है रेड फॉस्फरस, थोड़ा मोड़ा एनर्जी दे करके हम इसको जलाते हैं तो रिएक्शन कर जाते हैं। चलिए, अच्छा ये ध्यान रखें CH2 और वाटर दोनों में डिजॉल्व नहीं होते। नेक्स्ट, फॉस्फरस के ऑक्सो एसिड आप जरूर ध्यान रख लीजिए नाइट्रोजन फैमिली में, जिसमें हाइपोफॉस्फरस एसिड, फॉस्फरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, और इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, उसको डबल करके वाटर निकाल दो, और जो फॉस्फरस एसिड है उसको डबल करके वाटर निकाल दें तो हाइपो, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फरस एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये वाला। इसमें देखिए पीएच बॉन्ड, फॉस्फरस के ऑक्सो एसिड में एक बहुत प्यारी बात बोली जाती है, मोर विल बी पीएच बॉन्ड, मोर विल बी रिड्यूसिंग पावर, इफ फॉस्फरस ऑक्सो एसिड कंटेन्स पीएच बॉन्ड देन इट हैव रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, दूसरे को रिड्यूस करते हैं, इसीलिए ये बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हो जाते हैं, ठीक है। और ये फॉस्फरस के ऑक्सो एसिड बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, इसकी बेसिसिटी, इसको बोलते हैं मोनोप्रोटिक एसिड, इसका एक और नाम होता है बोलते हैं फॉस्फिनिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और ये फॉस्फोरिक एसिड को डबल करके वाटर निकाला है बोल देते हैं पायरोफॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड को डबल करके वाटर निकाला है इसलिए इसको बोल देते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड, डबल करके वाटर अस से निकालते हैं तो अस बोलते हैं, एक से निकालते हैं तो एक बोलते हैं। फॉस्फोरस का एक बहुत प्यारा और शानदार सा एसिड होता है ये वाला, जो तुम्हारे पास पायरोफॉस्फोरिक एसिड मिला ना, बीच में से एक ऑक्सीजन निकाल लो तो ये बन जाते हैं पीपी लिंकेज H4P2O6, इसमें नॉन पोलर लिंकेज होता है इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पीपी लिंकेज। अक्सर फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड में पीपी बॉन्ड नहीं मिलते, सल्फर में खूब मिलते हैं लेकिन यहां नहीं मिलते, इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, ये भी फॉस्फोरिक एसिड है, बस फॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो बोल देते हैं हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। नाम भले ना याद हो, फॉर्मूला और स्ट्रक्चर जरूर आपको याद होना चाहिए। फॉस्फरस के और मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनते हैं HPO3, इसके ट्राइमर मिलते हैं, इसके हेक्सामर मिलते हैं, ये मोनोमरिक यूनिट में एग्जिस्ट नहीं करता। कैसे बनाते हैं ट्राइमर? POPOPO ऐसे, और हर एक फॉस्फरस को डबल बॉन्डो देते चले जाओ, हर एक फॉस्फरस को डबल बॉन्डो, और साथ में क्या देते चले जाएं? OH, हर एक फॉस्फरस को साथ में देते चले जाइए OH, ये हो जाता है इसका ट्राइमर, ट्राइमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसका हेक्सामर जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, कैलगन बोलते हैं उसको, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, अगर हम इसका मेटाफॉर्म हेक्सामर वाला ले लें तो। चलिए, अच्छा ये हो गए फॉस्फरस के ऑक्सो एसिड। नेक्स्ट अपने पास सल्फर के बारे में देख लें, तो सल्फर दो अच्छे फॉर्मूले में एग्जिस्ट करते हैं S8 और S6, और अगर 1000 से ज़्यादा टेम्परेचर कर दो केल्विन में तो सल्फर का एक फॉर्म ये भी एग्जिस्ट कर जाता है जो 1000 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टेबल होते हैं S2, जो कि पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं सेम एज O2। S8 की बात करें तो दो सल्फर होते हैं, एक होते हैं सल्फर रोम्बिक, एक होते हैं सल्फर मोनोक्लिनिक, दोनों का फॉर्मूला S8 ही होता है, ये जरूर ध्यान रखिए। दोनों ही पानी में इनसॉल्युबल नेचर के होते हैं लेकिन CH2 में सॉल्युबल, क्योंकि नॉन पोलर होते हैं। एक को बोलते हैं अल्फा सल्फर, एक को बोलते हैं बीटा सल्फर, अल्फा सल्फर ज़्यादा स्टेबल होता है, ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में होते हैं 369 केल्विन पे, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल होता है, उससे कम टेम्परेचर पे रोम्बिक सल्फर स्टेबल होते हैं। थर्मोडायनेमिकली कौन ज़्यादा स्टेबल है रूम टेम्परेचर पे? तो रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों का स्ट्रक्चर क्राउन शेप में होता है ऐसे, खूब सारे ऐसे बॉन्ड होते हैं इधर, और एक होता है S6, चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सिंपल S6 ऐसे बना लें। नेक्स्ट, सल्फर के ऑक्सो एसिड अपने पास, या पहले इधर है ओजोन का प्यारा सा स्ट्रक्चर, ओजोन डायमैग्नेटिक होते हैं, इनका स्मेल बहुत गंदा सा होता है, रॉटन फिश सड़ी हुई मछली जैसा स्मेल, ध्यान रखिए ऑक्सीजन तो बहुत प्यारा है लेकिन तीन ऑक्सीजन मिल जाता है ना जान निकाल लेता है अपनी, बहुत गंदी स्मेल वाले होते हैं, पॉइजनस गैस बोल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ऊपर पाए जाते हैं ना हाइट में,
स्ट्रेटोस्फीयर में मिलते हैं, वो जहाँ पर ये सन से आने वाली बहुत डेंजरस सी रेज की एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने पास और अर्थ पे आने से रोकते हैं। जिसलिए बोलते हैं ना, अभी बहुत सारी ये ग्रीन हाउसेज गैसेज की वजह से या बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन की लेयर है उसमें क्या हो जा रहा है, छेद हो जा रहा है। इसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट अर्थ पे आ रही है, इसलिए अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। चलिए अच्छा, तो ओजोन अपने पास दो स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक तरफ डबल बॉन्ड एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। लेकिन दोनों का अगर कोई पूछे बॉन्ड ऑर्डर बता दो तो बॉन्ड ऑर्डर एवरेज बोल सकते हो, डबल और सिंगल का एवरेज 3/2। दोनों बॉन्ड एक ही जैसे होते हैं, एक ही लेंथ के होते हैं, ठीक है। ओजोन, नेक्स्ट सल्फर के ऑक्सो एसिड फटाफट देख लीजिएगा। सल्फर का एक H2SO4 बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर, H2SO5 H2S2O7, इसको एक नाम देते हैं ओलियम। खूब सारे क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर, ओलियम को बोल सकते हैं हाईली कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी है H2SO4 प्लस SO3 और H2S2O8 मार्सल्स एसिड बोलते हैं इसको। अभी जेई में पूछा गया इसके बारे में, अभी जल्दी जेई में पूछ रहा था इसमें कितने पाई बॉन्ड, 1 2 3 4 पाई बॉन्ड अपने लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। मार्सल्स एसिड में बता दो क्या परऑक्साइड लिंकेज है, तो हाँ परऑक्साइड लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, खूब क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। और जो सल्फर के एसिड हैं जिसमें खूब सारे SS लिंकेज होते हैं तो वो भी देख लेते हैं फटाफट। जैसे ये H2SXO6, X को आप दो कर सकते हैं तो डाइथायोनिक एसिड, 3 कर दीजिए तो ट्राइथायोनिक एसिड, बीच में सल्फर डालते जाइए, 4 कर दीजिए तो टेट्राथायोनिक एसिड, 5 कर दीजिए तो पेंटाथायोनिक एसिड, खूब सारे SS लिंकेज हो जाते हैं। पता होगा ना सल्फर सल्फर के बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बॉन्ड बहुत कम स्टेबल होते हैं, क्योंकि कम लेंथ की वजह से लोन पेयर रिपल्सन होने लग जाता है। नेक्स्ट आगे सल्फर के 2-3 और इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन हटा के सल्फर लगा दीजिए, और जो अपने पास है ये, इसको बोलते हैं पायरोसल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस एसिड को डबल करके वाटर निकालिए, आपको यही मिलेगा सल्फ्यूरस, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, इसको बोलते हैं डाइथायोनस, डाइथायोनस। आपको अगर ये फॉर्मूला न याद हो, ये नाम न याद हो तो चलेगा, लेकिन फॉर्मूले से स्ट्रक्चर आपको जरूर याद होना चाहिए। कैसे बनाते हैं, डाइथायोनिक देखा था अभी थोड़ी देर पहले, H2SXO6 वाला, X की जगह पे 2 रख देते तो यहीं पे नीचे डबल बॉन्ड हो आ जाता, एक ऑक्सीजन निकालिए तो O5 हो जाएगा, एक और निकाल लीजिए इधर से तो O4 हो जाएगा, वहां से स्ट्रक्चर आप याद रख सकते हैं। कहां से, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, ए पीछे से, यहां से ये रहा अपने पास डाइथायोनिक एसिड ना, इसमें से एक ऑक्सीजन हटा लो तो बन जाएगा O5, एक और हटा लो तो बन जाएगा O4। ये वाले दो स्ट्रक्चर आपको याद होने चाहिए, NCERT में लिखे हैं इनके फॉर्मूले, स्ट्रक्चर नहीं बनाया है उन्होंने इसका और इसका, लेकिन पूछा जा सकता है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सल्फर सल्फर का लिंकेज, सल्फर सल्फर के बॉन्ड होने की वजह से। सल्फर के ऑक्सो एसिड दो ही मामले में इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो परऑक्साइड लिंकेज हो जाए या फिर उनके पास सल्फर सल्फर का बॉन्ड हो जाए। मैक्सिमम एसिड के पास सल्फर वाले में परऑक्साइड ये SS के लिंकेज मिल जाते हैं। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे PCl5 ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं, अगर इनका सॉलिड फॉर्म ले लें तो आयनिक सॉलिड होता है PCl4+ और PCl6-, कैटानिक फॉर्म टेट्राहेड्रल होता है और एनायनिक फॉर्म ऑक्टाहेड्रल होते हैं। लेकिन PCl5 का अगर हम गैसियस फेज ले लें तो ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 3 Cl तो एक ट्रायंगल में प्लेन में लगे होते हैं, 1 Cl जस्ट ऊपर और 1 Cl जस्ट नीचे लगे होते हैं। ऊपर नीचे वाले बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल और इनको बोलते हैं इक्विटोरियल। कौन से बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, इक्विटोरियल वाले, क्योंकि इक्विटोरियल वाले एक्सियल को रिपल्सन देकर के एक्सियल के बॉन्ड को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इस वजह से एक्सियल बॉन्ड बहुत अनस्टेबल होते हैं, थोड़ा मोड़ा पानी डालो तो टूट जाते हैं, थोड़ा सा भी पानी डालो ये दोनों बॉन्ड टूट करके PuCl3 बना लेता है, और खूब सारा पानी डालो तो सारे Cl बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और बन जाते हैं फॉस्फोरिक एसिड, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। एक्सियल और इक्विटोरियल में कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इक्विटोरियल का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्सियल वाला बॉन्ड वीक है, उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्यों, रिपल्सन की वजह से। इसमें 90 डिग्री वाले एंगल्स हमसे पूछे जाते हैं, बताओ इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल होंगे, तो जो एक्सियल वाला होगा इक्विटोरियल के साथ 90 बनाएगा तो 3 ऊपर से 90 आ जाएंगे और 3 नीचे से, टोटल 690 डिग्री के एंगल हो जाते हैं इसके पास। कोई पूछता है इसमें बताओ कितने एंगल होंगे जो 180 के होंगे, तो एक्सीएल का एक्सीएल के साथ 180 डिग्री वाला एंगल होगा एक ही। कितने 120 वाले एंगल होंगे, तो जो बीच में इक्विटोरियल पोजीशन पर लगे हैं वो आपस में कितना एंगल रख रहे होंगे, 120, तो 3 होते हैं 120 डिग्री वाले। बहुत प्यारा सा स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल होते हैं, आराम से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, आराम से टूट जाते हैं, थोड़ा मोड़ा हीट कर दो तो PCl3 और Cl2 में भी टूट जाते हैं। नेक्स्ट SF6, जैसे वहां पर था PCl5 लेकिन वो अनस्टेबल थे, लेकिन बड़े आराम से स्टेबल होते हैं, नॉट ईजिली हाइड्रोलाइज्ड। इनके सारे ऐसे बॉन्ड सेम नेचर के होते हैं, इनको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, आराम से इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, आराम से ये रिएक्शन नहीं करते, सारे ऐसे बॉन्ड सेम नेचर के होते हैं सब के सब, लेकिन PCl5 में सारे PCl5 बॉन्ड
स्पेशियल बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं थे। HCF6 फॉर्मूला वैसे ही होता है, लेकिन 6σ1 लोन पेयर के होने की वजह से, एक लोन पेयर की वजह से ये ज्योमेट्री कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या ऐसे बोलो पेंटागनल पिरामिडल। बहुत इंपॉर्टेंट है HCF6 की ज्योमेट्री और बहुत अनस्टेबल होते हैं, पानी डालते रहो तो बहुत आराम से हाइड्रोलाइज होते रहते हैं और इनकी हाइड्रोलिसिस से बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। थोड़ा सा वाटर डाल दोगे तो बनता है XeOF4। दो फ्लोरीन हटाओ एक ऑक्सीजन लगाओ, फिर से हाइड्रोलिसिस करा दो तो बन जाता है दो फ्लोरीन हटा के एक ऑक्सीजन लगा दो HCO2F2, और हाइड्रोलिसिस कराओ तो फिर ये अल्टीमेटली बना लेते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। ये अपने एग्जाम में पूछा जाता है इसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बने हुए प्रोडक्ट्स बताओ, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब रास्ते में ये दोनों बन जाएंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करा दोगे ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करता पानी वानी में, कोई रिडॉक्स भी नहीं करता, लेकिन हाइड्रोलाइज बहुत आराम से हो जाते हैं क्योंकि बहुत अनस्टेबल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन XeO3, XeO2F2 और XeO F4, तो फटाफट इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3σ1 लोन पेयर तो पिरामिडल, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड में और एक लोन पेयर। XeO2F2 तो देखोगे 4σ1 लोन पेयर, ये सीसॉ स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें एक्सियल बॉन्ड पे फ्लोरीन लगे होते हैं और इक्विटोरियल पे ऑक्सीजन लगे होते हैं, एक लोन पेयर पड़ा होता है। सीसॉ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होते हैं और बहुत अनस्टेबल ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं और सारे बॉन्ड एंगल, ये दोनों बॉन्ड क्या 180 पे लगे होंगे, नहीं, लोन पेयर की वजह से थोड़ा रिपल्सन हो जाएगा, 180 पे नहीं हो पाते। और XeOF4 देखोगे 5σ1 लोन पेयर तो बन जाते हैं स्क्वायर पिरामिडल, ये भी नॉन प्लेनर ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री। हाइड्रोलिसिस कराओ तो ये फर्दर हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ये कहाँ से बने हैं, XeF6 जो थोड़ी देर पहले मिला था ज़ेनॉन का हेक्साफ्लोराइड, उसकी पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बने हुए ये प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हैलोजन के दो बड़े स्ट्रक्चर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, CLF3 और BRF3 जैसा टी शेप स्ट्रक्चर होते हैं 3σ2 लोन पेयर, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ट्रायंगुलर बाईपिरामिडल ज्योमेट्री जैसा, लेकिन उसके इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर लगे होते हैं। लोन पेयर का अप्रॉक्सीमेट एंगल 120 जैसा होता है, एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही चलता है। ये सारे बॉन्ड अलग अलग लेंथ के होते हैं क्योंकि एक्सियल बॉन्ड है और ये इक्विटोरियल, सारे बॉन्ड एक जैसे नहीं होते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स कैसे होंगे, ये जो एक्सियल बॉन्ड है क्या 180 पे लगे होते हैं, एग्जैक्ट नहीं, 180 से थोड़ा सा कम लगे होते हैं। सेम तरीके से BRF3 अनस्टेबल होते हैं क्योंकि इनके सारे बॉन्ड सेम लेंथ के नहीं हैं, इनको बोलते हैं इंटर हेलोजन कंपाउंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट अगर अपने पास चलें 19 नंबर XeF2 और XeF4, तो ये 2σ3 लोन पे लीनियर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं जिसमें लोन पेयर के बीच का एंगल अगर कोई पूछेगा तो क्या बोलेंगे, 120 डिग्री। और एक होता है XeF4, 4σ2 लोन पेयर, दो लोन पेयर ऊपर नीचे लगे होते हैं और बिल्कुल प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर में। लोन पेयर के बीच का एंगल यहां कोई पूछता तो एग्जैक्ट बोलते हैं, लोन पेयर के बीच का एंगल अगर पूछोगे तो 180 डिग्री हो जाएगा, ये लोन पेयर के बीच का एंगल की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते अब आगे क्या चलोगे हमसे पूछा जा रहा है, कमेंट करके बताना, क्या बताना भाई, नंबर ऑफ 90 डिग्री बॉन्ड एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ITJEE एडवांस में पहले पूछा जा चुका है, पुराना क्वेश्चन है। BRF5 5σ1 लोन पेयर स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगा जैसे थोड़ी देर पहले बताया था XeOF4, तो बताना है इसमें कितने 90 डिग्री के एंगल्स बन पाएंगे। ठीक है, बहुत प्यारा, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा, पक्का कमेंट करके जाना। फिर नेक्स्ट है अपने पास विच वन इज प्लेनर, चार ऑप्शन है ABCD, इसमें बताना है कौन सा प्लेनर होगा। पहला है XeF6, दूसरा है SF6, तीसरा है AL2CL6 और चौथा है अपने पास XeF4। वैसे मेरा मन कर रहा है एक यहां पर ऐसे दे दें I2CL6, लास्ट वाला ऑप्शन मान लो, ये दोनों ही हैं XeF4 एंड I2CL6। ठीक है, तो फटाफट इनके कमेंट करोगे आंसर, पहले के क्या होंगे और दूसरे के क्या होंगे। और एक चीज ध्यान रखें, जिसको अगर इसका PDF चाहिए हो, इसी में डिस्क्रिप्शन में हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देते हैं, वहां पर आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती रहती हैं, तो इसका PDF भी वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बीच में एक छोटा सा पार्ट इसमें मैंने छोड़ दिया, वो हैलोजन के ऑक्सो एसिड, उसका स्ट्रक्चर आप जरूर देख लीजिएगा, ये वाला हैलोजन के HClO, HClO2, HClO3, HClO4, उनके स्ट्रक्चर नॉर्मली आपको पता होंगे, बना लीजिएगा एक बार, नीचे की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं अक्सर हैलोजन के ऑक्सो एसिड में, ध्यान रखिए नीचे की तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है। ठीक है भाई, तो ये हो गए अपने पास सारे के सारे पी ब्लॉक 11-12 के, वो सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो अपने एग्जाम में बहुत प्यार से आ सकते हैं, अच्छे से इनको देखिए। आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक करें, दूसरों को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब भी कर लें मन करे तो, अब जैसा आपकी इच्छा, भगवान करे आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, अच्छे से पढ़ते रहें, आने वाले एग्जाम में आप अपना 100% दें। ठीक, आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, बाय।